भारत में इतने स्टॉक ब्रोकर हो चुके हैं कि अभी ये पता लगाना ही मुश्किल है कि उनके नाम क्या क्या हैं। उनके बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अर्ड डिजिटल ब्लॉगर पे हम आपके लिए अलग अलग ब्रोकर्स के रिव्यू लेके आते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि मार्केट में इस समय कौन कौन से प्लेयर मौजूद हैं जिनके साथ आप पोटेंशियली एक डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को कैरी आउट कर सकते हैं। आज ऐसी एक नाम जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते, उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या ये ब्रोकर आपके लिए सही है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे ज़ेबू नाम के एक स्टॉक ब्रोकर की। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, हालांकि काफ़ी ब्रोकर इस समय फुल सर्विस में डिस्काउंट ब्रोकिंग में मूव हो रहे हैं। ये फुल सर्विस ब्रोकर अभी भी अपनी ब्रोकरेज वैसे ही चार्ज करता है। वेलाचारी एक शहर है तमिलनाडु में चेन्नई के पास, वहाँ से ये ब्रोकर आता है। थोड़ा सेकेंड थर्ड ईयर टाइप शहर है, लेकिन 10 साल से इनके क्लेम के अनुसार 10 साल से ही मार्केट में मौजूद हैं और आज की तारीख में इनके पास करीब 11,000 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। अब 11,000 कुछ खास नंबर नहीं होता। अगर हम पूरे की पूरी स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसे ब्रोकर हैं जिनके पास 20 लाख क्लाइंट हैं और इनके पास अभी 10-11,000, तो उस हिसाब से थोड़ा छोटा ब्रोकर कह सकते हैं आप। रीजनल लेवल का ब्रोकर जो कि साउथ इंडिया से ज़्यादातर ऑपरेशंस करता है। इस तरह की छवि अभी नंबर्स बेस पे वैसी दिखती है। इनके अनुसार इनके पास 600 से ज़्यादा ऑथराइज्ड पार्टनर्स हैं, APs हैं, जो कि इनके अलग अलग शहरों में इनकी मौजूदगी प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल लोकेशन में ये 10 शहरों में मौजूद हैं, जिसमें कि तमिलनाडु के मेजर शहर जिसमें चेन्नई है, कोयम्बटूर है, ईरोड है, अदर यू हैव मदुराई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, दिल्ली में भी थोड़ी बहुत मौजूदगी है इनकी, और पटना और विशाखापट्टनम में भी ये ऑफलाइन प्रेजेंस के साथ मार्केट में मौजूद हैं। तो ज़्यादा ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं है। कई ब्रोकर ऐसे हैं जिनकी 11,500 ब्रांचेज हैं, इनकी 10 हैं, तो उस हिसाब से अगेन ऑफलाइन प्रेजेंस पे भी कुछ खास इनका प्रेजेंस नहीं है। हालांकि आपको ये इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स में प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट्स। IPOs में भी पैसा लगा सकते हैं आप और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ब्रोकर की बैकग्राउंड ठीक है, इट्स अराउंड एवरेज, नॉट सो ग्रेट, नॉट सो बैड। 4 शिकायतें हुई हैं 0.03% के लेवल पे और इंडस्ट्री का एवरेज है 0.05%, तो उस हिसाब से भी ये ठीक है। तो अगर विश्वसनीयता, मतलब अगर ट्रस्ट फैक्टर की बात आती है तो ब्रोकर ठीक है उस हिसाब से। देन मूविंग ऑन, अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी में ये कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहा है, अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन, टर्मिनल सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन देते हैं, थर्ड पार्टी API भी देते हैं, बैक ऑफिस भी मिलता है, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है ये जानना और इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है टेक्नोलॉजी में, और जो ब्रोकर हैं जो कि रीजनल लेवल पे थोड़ा बहुत क्लाइंट लेके बैठे हैं, उनके लिए तो पूरे इंडिया को कैप्चर करना एक ड्रीम या एक इम्पॉसिबल ड्रीम भी कह सकते हैं। इम्पॉसिबल हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन टफ लगता है सर्टेनली। तो सबसे पहले इनकी मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं। ज़ेबुल के नाम से इनकी मोबाइल ट्रेडिंग ऐप है। 3.6 रेटिंग है, इंडस्ट्री का एवरेज 4 है, तो इंडस्ट्री से काफ़ी ख़राब है। 4 से 5 हफ्तों में एक बार अपडेट करते हैं। अच्छी चीज़ें एप्लीकेशन की पहले बात करते हैं, ऑर्डर प्लेसमेंट, आपको चाहे ब्रैकेट ऑर्डर करना है, कवर ऑर्डर करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर करना है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, सब अलाउड है। ट्रेडिंग सेगमेंट्स में आप जहां मर्जी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हैं? जो UI डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस है, काफ़ी बेसिक है, ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। देन चार्टिंग अगर आप करना चाहें तो एडवांस चार्ट ही मौजूद नहीं है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक एनालिसिस के लिए। ऐप कई बार हैंग होती है, स्पीड या परफॉर्मेंस के इश्यूज भी देखे गए हैं। हालांकि इसमें लॉगिन इश्यूज नहीं देखे गए हैं, जो ज़्यादातर बड़ी एप्लीकेशंस में देखे जाते हैं, तो वहाँ से ये एप्लीकेशन थोड़ी सी बेहतर कह सकते हैं, सिर्फ उस एरिया में, ओवरऑल नहीं। देन अगर इनकी वेब एप्लीकेशन की बात करें तो ज़ेबुल वेब नाम से इनकी वेब एप्लीकेशन है। इसमें चार्ट्स आपको एडवांस मिलेंगे, ऑर्डर प्लेसमेंट भी अलाउ करेगा, लेकिन जब हमने डेमो करने की कोशिश की तो हमें एरर पेज आया, हम इनकी वेब एप्लीकेशन ट्राई नहीं कर सके। काफ़ी ब्राउजर्स, काफ़ी मशीन्स, फोन्स के थ्रू भी ट्राई किया, लेकिन इनका वेब एप्लीकेशन नहीं चला। शायद उस समय बंद था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट आवर्स में ही ट्राई किया था हमने। इसके अलावा इनके पास ज़ेबुल स्मार्ट ट्रेडर के नाम से एक टर्मिनल एप्लीकेशन भी है,
इस टर्मिनल एप्लीकेशंस में भी आपको स्कैनर्स मिल सकते हैं, एडवांस चार्ट्स मिलेंगे, मल्टीपल ऑर्डर प्लेसमेंट्स मिलेंगी, लाइव मार्केट कोट मिलेंगे। इनके अनुसार तो आप सिंगल क्लिक ऑर्डर की विंडो से हमेशा आसपास ही रहते हैं, मतलब आप कहीं मर्जी फीचर एक्सेस कर रहे हो, ऑर्डर प्लेसमेंट आप सिंगल क्लिक से कर सकते हैं। तो वो है क्लाउड API मिलता है जिससे आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप अपने देन यू कैन हैव योर बैक ऑफिस उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में रेंज तो दिखती है, क्वांटिटी तो दिखती है, लेकिन जब क्वालिटी की बात आती है तो अराउंड एवरेज। तो अगर इनके साथ अगर आपको अकाउंट खोलना है तो हम रेकमेंड करेंगे कि टर्मिनल एप्लीकेशन आप ट्राई करें, मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेड मत कीजिए, टर्मिनल एप्लीकेशन ठीक रहेगा। तो ये बात हुई टेक्नोलॉजी की। और अब बात कर लेते हैं खर्चों की। इनके साथ अकाउंट अगर आपको खोलना है तो ₹310 देने होंगे, वहीं पे अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हर साल ₹450 आपको पे करना होगा। ये एनुअल चार्जेस हैं आपको जो अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए देने हैं। इसके अलावा आपको ब्रोकरेज चार्जेस पता होना चाहिए। ऑब्वियसली ब्रोकरेज चार्जेस ऐसा खर्चा है जो कि हर ट्रेड पर आपको लगेगा, और फुल सर्विस के साथ तो एक इशू या दिक्कत या एक तरीके से सच्चाई ये है कि जितना बड़ा ट्रेड करेंगे उतनी ज़्यादा ब्रोकरेज लगेगी, आपको ये पता होना चाहिए। नाउ इफ यू स्टार्ट विद इक्विटी, तो इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 0.03% इनका डिफॉल्ट ब्रोकरेज रेट है, वहीं पे डिलीवरी में 0.3% हो जाता है। बाकी के सेगमेंट में अगर हम बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो 0.03 रहेगा, ऑप्शन में 50 रुपये प्रति लॉट, करेंसी में भी सेम है, फ्यूचर्स में 0.03 और ऑप्शंस में ₹50 प्रति लॉट का जो चार्जेस है वो लगेगा। कमोडिटी में भी 0.03% आपका लगता है। अब देखिए ये हैं डिफॉल्ट रेट्स। अगर आपका ट्रेडिंग टर्नओवर या इनिशियल डिपॉजिट अच्छा खासा है तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं, अच्छा खासा नहीं भी है तो भी नेगोशिएट कीजिए, क्योंकि ये डिफॉल्ट रेट्स होते हैं। देखा है हमने कई कई ब्रोकर्स बोलते ज़्यादा हैं, लेकिन 0.01 अगर इंट्राडे में करें और 0.1 डिलीवरी में, इतना ब्रोकरेज हो सकता है। तो जितना कम ब्रोकरेज करवाएंगे आगे चल के जब आप ट्रेड करेंगे, उतना कम ब्रोकरेज आपके पैसे कटते जाएंगे आपके ओवरऑल प्रॉफिट में से, क्योंकि ये पैसा प्रॉफिट में से भी जा रहा है, ये आपको देखना होगा। तो खर्चों की बात में अगर हम जेबू की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग पे शुरुआत में ही बैरियर लगाना, शायद उनको फ्री ट्राई करना चाहिए क्योंकि बड़ा नाम नहीं है इंडस्ट्री में, लेकिन शायद कुछ सोच के ही कर रहे हैं, बट डेफिनेटली एक कंसर्न दिखता है जहाँ पे आपको AMC भी ₹450 देना है और अकाउंट ओपनिंग भी अच्छा खासा है। देन मूविंग ऑन, बात करें इनकी कस्टमर सपोर्ट की, तो आपको ऑफलाइन प्रेजेंस मिलेगी थोड़ी बहुत, ज़्यादातर साउथ इंडियन जो शहर हैं उसमें मिलती है। आप कॉल कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं हैं, लेकिन ठीक ठाक लेवल पे आपको सपोर्ट मिल जाएगी, बेटर देन ए डिस्काउंट ब्रोकर ऐसा कह सकते हैं। वहीं पे मार्जिन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि इंट्राडे में 6 से 10 गुना मिलता है, बाकी के सेगमेंट्स में 2 या 3 गुना। तो एक तरीके से मार्जिन ट्रेडिंग लिमिटेड ही रहेगी इनके साथ। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं या ज़्यादा करते हैं एक्सपोजर का इस्तेमाल, तो ये ब्रोकर कुछ खास वैल्यू नहीं दे पाएगा। अब फाइनली देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। देखिए जो भी हमने एनालिसिस किया है उसके बेस पे ये कह सकते हैं कि टर्मिनल एप्लीकेशन बाकी के एप्लीकेशन से बेहतर है, तो उस हिसाब से आप विश्वास कर सकते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस को नेगोशिएट कर सकते हैं, तो अगर आप किसी फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के साथ हैं और थोड़ा कम ब्रोकरेज चाहते हैं और फुल सर्विस ब्रोकर चाहते हैं तो एक ठीक ऑप्शन बन सकता है। नुकसान क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन काफ़ी बेसिक है, बहुत ही कंपेरेटिव स्पेस है मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स का, और उसमें जेबू की मोबाइल एप्लीकेशन अराउंड एवरेज दिखती है। एक्सपोजर कम मिलता है आपको और AMC चार्जेस आपको ₹450 पहले साल से ही देने होंगे। अब ये ब्रोकर किसके लिए सही रहेगा, बिगिनर के लिए रेकमेंड नहीं कर सकते हम, क्योंकि बिगिनर को एक अच्छा खासा विश्वास चाहिए, दूसरा उसको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए, एक ठीक ठाक ट्रेडिंग ऐप चाहिए। खैर ट्रेडिंग ऐप तो सबको चाहिए, लेकिन बिगिनर को तो डेफिनेटली चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों में कहीं ना कहीं लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ दिखता है। एक एक्सपर्ट टेबल ट्रेडर को बहुत एग्जॉस्टिव वेब एप्लीकेशन, टर्मिनल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन भी चाहिए, ये ब्रोकर नहीं दे पाता। तो अगर आप स्पेसिफिकली साउथ इंडियन या रीजनल शहर में कोई ब्रोकर चाहते हैं जिस पे आप विश्वास करना चाहते हैं, आपके एरिया के आसपास है, स्पेशली जो शहर हमने आपको बताए तमिलनाडु के वहाँ के, तो रीजन लेवल के लिए एक अच्छा प्रोपोजिशन दे सकता है ब्रोकर, क्योंकि विश्वास बनेगा, आसपास ऑफिस रहेगा इनका। तो
लेकिन उसके अलावा कुछ खास इसमें वैल्यू नहीं दिखती आज की तारीख में। अगर आप इनके क्लाइंट हैं तो बताइए कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका, सो दैट वी कैन ऐड वैल्यू। जो आज की तारीख में हमें दिखता है नंबर्स के बेस पे, 10-11 हज़ार एक्टिव क्लाइंट्स के बेस पे, कुछ ऑफलाइन प्रेजेंस के साथ, एक अराउंड एवरेज या थोड़ा सा बिलो एवरेज भी ब्रोकर कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों, इस वीडियो में ज़ेबू ब्रोकर के बारे में हमने बताया अलग अलग पर्सपेक्टिव से। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। अभी के लिए बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए हम वीडियोज़ कॉन्टेंट स्टॉक मार्केट का लेके ऐसे ही आते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। बाय बाय।